दोस्तों आप सभी के काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि 55 इंच में कौन सी टीवी ले, वीयू ले, जेवीसी ले या एमआई ले। तो आज की वीडियो में मैं ये तीनों टीवी को कंपेयर करूंगा, जो वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की जो 55 इंच की टीवी उसको कंपेयर करेंगे, जेवीसी की 55 इंच की जो क्वांटम बैकलाइट टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट टीवी है उसको कंपेयर करेंगे इसी के साथ, और इसी के साथ इसको साथ में रखेंगे एमआई 4X प्रो को। तो इस तीनों टीवी को कंपेयर करेंगे और बताएंगे आपको सारे फीचर्स, क्या आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, क्या डिफरेंसेस है, क्या अच्छा है क्या बुरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज की 55 इंच की टीवी कंसीडर कर रहा हूं, ना कि जो वीयू की अल्ट्रा एचडी 4K टीवी है जिसका कॉस्ट कुछ 45,000 रुपीज है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज को कंसीडर कर रहा हूं। तो चलिए अब सबसे पहले इन तीनों टीवीज को, मतलब वीयू की प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज, एमआई 4X प्रो और जेवीसी की क्वांटम बैकलाइट टेक्नोलॉजी की तीनों टीवियों को कंपेयर करने से पहले जान लेते हैं कि तीनों ही टीवी में सिमिलैरिटीज क्या है। तो तीनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ तीनों ही टीवी में आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, और तीनों ही टीवी में जो LED का टाइप है वो डायरेक्ट LED यूज हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि इसमें कौन सा LED टाइप है, एज LED है, फुल LED है, तो इसमें आपको डायरेक्ट LED देखने मिलेगा। तीनों की तीनों टीवियां 2019 में लॉन्च हुई है रिसेंटली, मतलब कुछ ही हफ्तों या कुछ ही महीनों पहले तीनों की तीनों टीवियां लॉन्च हुई है, और तीनों ही टीवी में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई तीनों टीवी में मिलेगा, और ये तीनों टीवी 4K टीवी है। तो ये हो गए कुछ सिमिलैरिटीज की बात। तो पहला डिफरेंस होगा कि इन तीनों टीवी की प्राइसिंग। तो वीयू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का जो कॉस्ट है 42,000 रुपीज का है, एमआई 4X का कॉस्ट है 39,000 रुपीज, और जेवीसी की जो 55 इंच की टीवी है उसका प्राइस है 40,000 रुपीज। तो वीयू 2,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? अगर वो ले रहा है तो क्या आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है? अब वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि टीवी में आपको स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलेगा जो जिसका वैल्यू है 1:1। बात कर ले जेवीसी की, तो जेवीसी में आपको 2:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलता है। अब एमआई 4X प्रो की मैं बात करूं तो एमआई में आपको 1200:1 का, मतलब 1200:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने मिलता है। तो यहाँ पर एमआई 4X प्रो एकदम माइनस पॉइंट में, क्योंकि आपको जो ब्राइटनेस लेवल है एकदम ही डिग्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे एकदम एमआई की 4X प्रो एकदम माइनस में आप कंसिडर कर दो। तो ये पहला पॉइंट होगा तीनों ही टीवी को कंपेयर करने के बाद। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो ब्राइटनेस लेवल का है। तो वीयू की जो टीवी है उसमें आपको मिलेगा 450 निट्स का ब्राइटनेस, एमआई 4X प्रो में भी मिलेगा आपको 450 निट्स का ब्राइटनेस, लेकिन आपको जेवीसी की टीवी में मिलेगा आपको 500 निट्स का ब्राइटनेस। तो यहां पर जेवीसी एक प्लस पॉइंट में है और बाकी दोनों टीवी माइनस पॉइंट में है। तो ये पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए, आपको काफी हेल्प होगा जब आप टीवी खरीद रहे हो या तीनों टीवी को कंपेयर कर रहे हो। और दोस्तों अगला पॉइंट होगा पिक्चर क्वालिटी को लेके। तो पिक्चर क्वालिटी में वीयू की बात करूं तो वीयू में जो टेक्नोलॉजी हुई थी प्रीमियम पिक्चर विद डॉल्बी विजन एंड HDR 10, मतलब हाई डायनामिक रेंज 10 का सपोर्ट आपको मिलेगा इस टीवी में। इसी के साथ साथ 4K अपस्केलिंग, तो ये फीचर के थ्रू आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी होगी, काफी रिच कलर आपको वीयू की टीवी में देखने मिल जाएंगे। बात कर ले जेवीसी की टीवी में, तो जेवीसी की टीवी में जो पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुई जिसका नाम है व्हाइट कलर गैमट, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको RGB कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, अच्छे एकदम मस्त वाले कलर प्रोड्यूस किए जाएंगे। इसी के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है कि ये 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकती है अलग अलग डिफरेंट शेड्स में। तो इसमें आपको भी बहुत अच्छे और रिच कलर आपको इस टीवी में भी देखने मिल जाएंगे। तो पिक्चर क्वालिटी में वीयू और जेवीसी एकदम परफेक्ट है और दोनों सेम लेवल पे ही बोल सकते हैं, लेकिन जेवीसी की टीवी में आपको HDR 10 नहीं मिलता। HDR 10 के सपोर्ट के थ्रू पिक्चर क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो आपको जेवीसी की टीवी में सिर्फ HDR मिलता है, हाई डायनेमिक रेंज मिलता है, लेकिन HDR 10 नहीं मिलता। मैं बात करूं MI की टीवी की, तो MI में सिर्फ और सिर्फ आपको HDR 10 का सपोर्ट मिलेगा, और इसके अलावा पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ भी ऐसा फीचर नहीं दिया हुआ या कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो टीवी में होता है उसका पैनल। तो वीयू की टीवी में आपको जो पैनल मिलता है वो A+ ग्रेड का पैनल देखने मिल जाएगा,
जेवीसी की टीवी में आपको जो पैनल मिलता है वो ए प्लस ग्रेड विद सैमसंग सेल स्क्रीन विद क्वांटम बैकलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया हो, तो यहाँ पर एक अच्छा एडवांटेज या एक प्लस पॉइंट होगा जेवीसी के लिए कि उसका जो पैनल है वो क्वांटम बैकलाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है। और मैं बात करूं MI 4X Pro की, तो इस टीवी में आपको VA पैनल मिलेगा या IPS, ये डिपेंड करता है आपके कंप्लीटली लक पे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें काफी सीरीज काफी टीवी आई जो किसी को VA पैनल मिला, किसी को IPS पैनल मिला। तो ये श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि आपको कौन सा पैनल इस टीवी में देखने मिलेगा। और दोस्तों अगला पॉइंट होगा प्रोसेसर को लेके, तो वीयू की टीवी में आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो क्वाड कोर प्रोसेसर 64 बिट का मिलेगा। जेवीसी की टीवी में आपको कॉर्टेक्स A53 64 बिट का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। और मैं बात करूं MI 4X Pro की, तो 4X Pro में आपको MLogic का 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। और बात कर लेगा ग्राफिक प्रोसेसर की, तो तीनों टीवी में आपको माली 450 मिलता है, लेकिन जेवीसी की टीवी में आपको माली 450 पेंटाकोर 750 मेगाहर्ट्ज देखने मिलेगा। तो यहाँ पर जेवीसी का एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा ग्राफिक प्रोसेसर को लेके। दोस्तों अगला पॉइंट होगा रैम और इंटरनल स्टोरेज को लेके, तो वीयू की टीवी में आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा 16 GB का, और इसी के साथ जो रैम है 1.75 GB का देखने मिल जाएगा। मैं बात करूं जेवीसी की टीवी में, तो जेवीसी की टीवी में आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज और 2 GB का रैम मिलता है। और मैं अभी ये बात करूं MI 4X Pro की, तो MI 4X Pro में 2 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। तो अगर मैं तीनों टीवी को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे MI की जो टीवी है वो माइनस पॉइंट में चल रही है, क्योंकि इसमें इंटरनल स्टोरेज बहुत ही कम दिया हुआ है। बाकी दोनों ही टीवी आपको 16 GB मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 8 GB मिल रहा है MI की टीवी में। और आई होप कि आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर रहे हो। दोस्तों बात कर ले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वीयू की टीवी में आपको एंड्रॉइड 8.0 देखने मिल जाएगा, MI की टीवी में भी आपको एंड्रॉइड ओरियो 8.0 देखने मिल जाएगा, लेकिन जेवीसी एक एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टीवी है, लेकिन इसमें जो ऑपरेट एंड्रॉइड का वर्जन है वो लेटेस्ट नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको वीयू की टीवी में क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिलता है, MI की टीवी में भी आपको इनबिल्ट मिलता है, लेकिन जेवीसी की टीवी में आपको क्रोम का बिल्ट इन नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि ये वीयू की ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है, MI भी ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी है, तो ये इसमें आपको Amazon Prime और Netflix नहीं चलने वाला, लेकिन आप साइड लोड कर सकते हो, APKs आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा आपके टीवी में। लेकिन मैं बात करूं जेवीसी की टीवी में, तो जेवीसी एक ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी नहीं, तो इसमें आपको Amazon Prime, Netflix सारे के सारे एप्स परफेक्टली चलने वाले हैं, और ये प्री इंस्टॉल इस टीवी में आते हैं। VVD में आपको वॉइस सर्च का फीचर दिया हुआ है उसके रिमोट में, लेकिन जेवीसी की टीवी में ऐसा कुछ भी वॉइस सर्च का फीचर नहीं दिया हुआ है। और बात करें MI 4X Pro की, तो MI 4X Pro में आपको गूगल असिस्टेंट मिलता है वॉइस एनेबल रिमोट के साथ। बात कर रहा हूं रिमोट की, तो वीयू की टीवी में आपको वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है। बात कर ले जेवीसी के रिमोट की, तो जेवीसी का एक जो रिमोट का एक बहुत बड़ा मेजर हाईलाइट लॉन्च हुआ है टीवी की, स्मार्ट टीवी की इंडस्ट्री में, जो की है डुअल रिमोट का, जिसको फ्लिपकार्ट बोल सकते हो या फिर जेवीसी खुद मैजिकल रिमोट के नाम से प्रेजेंट करता है, जिसमें आपको इस टीवी में आपको एक एक्स्ट्रा रिमोट मिलता है, क्वाटी कीबोर्ड रिमोट, जिसके थ्रू आप मोशन सेंसर गेम खेल सकते हैं ऐसे, और वो गेम सिर्फ जेवीसी एप स्टोर में से आपको खेलने पड़ेंगे, आप अलग से कोई भी ऐप या कोई भी गेम नहीं खेल सकते, सिर्फ जेवीसी की एप स्टोर में से आपको डाउनलोड करके खेलना होगा। अब बात कर लेते हैं MI के रिमोट की, तो MI में आपको एक मिनिमलिस्टिक रिमोट मिलता है, जिसमें बहुत ही कम बटन है, वॉइस एनेबल रिमोट है, ब्लूटूथ है और गूगल असिस्टेंट है। बात कर ले टीवी के डिजाइन की, तो वीयू की जो टीवी है उसके बेजल्स काफी मोटे हैं, मतलब अगर डिजाइन वाइज अगर मुझे रेट करना है तीनों टीवी, तो सबसे पहले मैं रेट करूंगा नंबर वन पे जेवीसी की टीवी में, क्योंकि जेवीसी की जो टीवी है एकदम बेजल लेस डिजाइन है, मेटल का उसमें एक स्ट्रिप आता है विथ टेबल टॉप स्टैंड के साथ, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। और उसके बाद मैं सेकंड रेट करूंगा MI की टीवी को, उसके बीजल्स भी मोटे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू वीयू थोड़े से पतले हैं, तो सेकंड नंबर MI की टीवी और थर्ड नंबर में वीयू की टीवी। तो ये तीनों रेटिंग्स है, तो फर्स्ट जेवीसी, MI, देन वीयू। और इसी के साथ साथ बॉक्स कंटेंट की बात करूं, तो बॉक्स में आपको जेवीसी और वीयू की टीवी में आपको
टेबल टॉप और वॉल माउंट दोनों मिल जाएगा, लेकिन एमआई की टीवी में आपको टेबल टॉप ही सिर्फ मिलता है, आपको वॉल माउंट के लिए 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ पे जेवीसी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि जो उसका जो टेबल टॉप है वो मेटल का है, आपको फुल मेटल डिजाइन आपको देखने मिलेगा उसके टेबल टॉप में, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जेवीसी के लिए। दोस्तों मैं साउंड आउटपुट की बात करूं तो वीयू की टीवी में आपको 24 वॉट का स्पीकर मिलता है और जो साउंड टेक्नोलॉजी है डॉल्बी डिजिटल प्लस टेक्नोलॉजी यूज की है। दूसरी तरफ मैं बात करूं जेवीसी की टीवी में तो जेवीसी में आपको 50 वॉट का स्पीकर मिलता है और जो साउंड टेक्नोलॉजी है वो थिएटर जोन डीटी टेक्नोलॉजी है। और बात कर ले एमआई की तो एमआई का जो साउंड आउटपुट आपको मिलता है वो 20 वॉट का मिलता है और साउंड टेक्नोलॉजी डीटीएस है। तो यहाँ पर जेवीसी का एक प्लस पॉइंट है कि इसका साउंड आउटपुट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोनों ही टीवियों में, और जो टेक्नोलॉजी है थिएटर जोन डीटी जो कि एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और आपको अच्छे साउंड और ऑडियो प्रोड्यूस करके देती है जब भी आप टीवी देख रहे हो। और दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ साउंड आउटपुट की तो वीयू की टीवी में आपको जो ऑटोमेटिक वॉल्यूम लेवल का जो फीचर होता है इस टीवी में देखने मिलेगा, जेवीसी में ऐसा आपको कुछ भी देखने नहीं मिलने वाला और एमआई की टीवी में ऑटोमेटिक लेवल का जो फीचर है इसमें भी देखने मिल जाएगा बट जेवीसी में आपको देखने नहीं मिलेगा। इसी के साथ ऑडियो इक्वलाइजर का जो फीचर होता है टीवी में तो वीयू की टीवी में देखने मिलेगा, एमआई की भी टीवी में देखने मिलेगा, लेकिन आपको जेवीसी में ऐसा कुछ भी फीचर देखने नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट होगा जेवीसी के लिए। दोस्तों अब जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो शायद आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी चैनल पे आपको देखने नहीं मिलेगा, जो कि होता है पावर कंजम्पशन का। हाँ आपको पावर कंजम्पशन का भी पॉइंट कंसीडर करना चाहिए जब आप टीवी कंपेयर कर रहे हो या खरीद रहे हो, तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीयू की टीवी का जो पावर कंजम्पशन है 160 वॉट का होता है, तो 160 वॉट का पावर कंजम्पशन यूटिलाइज होगा जब आप वीयू की टीवी लेते हो। और मैं बात करूं जेवीसी की टीवी में तो जेवीसी टीवी का पावर कंजप्शन 85 वॉट है, तो जो कि बहुत कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेव होने का काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक प्लस पॉइंट जेवीसी के लिए। और अब बात कर ले एमआई की तो एमआई में आपको 120 वॉट का पावर कंजप्शन यूज होता है, तो वीयू का जो पावर कंजप्शन है एज कम्पेयर टू दोनों ही टीवी में काफी ज्यादा है। और ये पॉइंट भी कोई यूट्यूबर आपको नहीं बोलेगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसका वेट, टीवी के वेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। बट हाँ मैं मानता हूँ कि टीवी आप लोग रोज लेके नहीं घूमते हैं, मोबाइल की तरह बाहर लेके नहीं जाते कहीं पे, लेकिन वेट भी कभी कभी मैटर करता है। तो वीयू की जो टीवी है उसका वजन है 14 किलो के आसपास, 14 केजीज के आसपास उसका वजन है, जेवीसी का जो वजन है 20 किलो के आसपास है, और एमआई की बात करूं तो एमआई का 13 केजीज का वजन होगा उस टीवी का। तो दोस्तों यही थे सारे डिफरेंसेस, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी कुछ हद तक मैंने अपने एंड से पूरा ट्राई किया है कि आपके जो भी कमेंट्स आते थे जितने भी कंफ्यूजन थे सारे के सारे इस वीडियो में दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कुछ भी सवाल बचता है, कुछ भी सुझाव है या कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में यार, मैं उसका रिवर्ट तो कर ही देता हूँ, आपको सभी को पता ही है। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो एक लाइक तो जरूर करना, बिना लाइक किए प्लीज जाना मत। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दो, और जो लोग नए हैं उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह होती है कि हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए टन टन टन। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड, आपको स्क्रीन पे आईडी दिख जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ी है। और आपको मैं मिलता हूं एक अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।